गुरु जी की प्यारी संगतों को आपके अनुराधा आंटी की ओर से जय माता दी, जय गुरु जी। और संगत जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं तो आप पहचान ही गए हैं यकीनन। तो आज मैं लेकर जा रही हूँ आप सभी को शुक्राना हाउस, जहाँ है आज प्यारे गुरु जी महाराज जी का सत्संग। और आज है महाजन्माष्टमी, यानी कि कृष्ण जी का जन्मदिन। और मेरी हर जन्माष्टमी संगत जी हर साल यहीं पे मैं मनाती हूँ। और आज मुझे संगत जी सुबह सुबह ही गुरु जी का मैसेज आया कि अपने घर पे मोर पंख लाना, तो शायद यहीं से मिलना होगा। ये तो गुरु जी जानते होंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है शुरू से ही, जब इनके घर पे गुरु जी नहीं थे तब से ही। और संगत जी, ये परिवार पहले ठाकुर जी को बहुत मानता था, ठाकुर जी की बहुत सारी ब्लेसिंग है इनके घर में। तो देखिए, भगवान तो एक ही रूप है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। अब आप कान्हा जी को मानते हैं तो अगर गुरु जी को मानते हैं तो ना ही आपको कान्हा जी मना करेंगे कि आप गुरु जी को ना मानो, और ना ही आपको गुरु जी कभी मना करेंगे आप कान्हा जी को ना मानो। बस आपकी भक्ति और शक्ति का कमाल है कि आपको कान्हा जी में गुरु जी दिखने पर लगेंगे और गुरु जी में कान्हा जी। तो ये आपके विश्वास की जीत है कि आपको हर जगह अपना इष्ट दिखेंगे, हर जगह आपको वो रब दिखेंगे जिनसे आप अधिक प्रेम करते हैं, जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हो। रब तो एक ही है, बस बार बार एक ही बात दोहराती हूँ कि रूप अनेक है। नन्हे मुन्ने कान्हा जी संगत जी बैठ गए हैं अपने झूले में और उनके पूरी जो घर बनाया गया है, यानी कि उनकी जो जगह बनाई गई है उसे सजा दिया गया है रंग बिरंगे खिलौनों से। और कहते हैं कि जो भी आज के दिन कान्हा जी को झूला झुलाता है तो कान्हा जी उसको स्वर्गों में वास कराते हैं, यानी कि जब आप ये जीवन छोड़ के जाएंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्गों में वास का मतलब आप उल्टा मत समझ जाइएगा कि अभी झूला झुलाया और हमारा स्वर्गवास हो गया। हाँ, तो हंसने की बात, लेकिन स्वर्गों में वास होता है। कहते हैं ना, हम जब बड़े खुश होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमें आशीर्वाद देते हैं कि आपका स्वर्गों में वास हो। तो कान्हा जी का जो झूला झुलाता है तो उसका स्वर्गों में वास होता है। और ये है हमारी प्यारी नानी जी, इनको तो आप सब जानते ही हो। तो गुरु जी महाराज का बड़ा ही सुंदर चोला येल्लो रंग का संगत जी आज गुरु जी ने पहना है, और कान्हा जी को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। और संगत जी, जब मैं आज घर से निकलने लगी ना, और आपको पता है हर औरत की यही कहानी होती है कि उसको कपड़ों को लेकर बड़ी ही टेंशन होती है, तो संगत जी मैं मजंटा कलर का सूट पहनने लगी, लेकिन जकाजक मुझे ऐसा फील हुआ, नहीं अनु मजंटा नहीं पहनना है, तो पीला पहन ले, गुरु जी ने भी आज पीला पहना होगा। और संगत जी, सच्ची में जब मैं यहाँ आई हूँ गुरु जी के दरबार में तो आगे गुरु जी भी पीले चोले में, यानी कि गुरु जी ने अपने चरणों की धूल को आज भी अपने रंग में रंग लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं आज शुक्राना हाउस आई और सत्संग सुना और मन ही मन में गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी, आज मैं बड़े दिनों बाद आपसे मिलने आई हूँ, अगर आज आप खुश हो ना तो मुझे अपनी कोई ना कोई निशानी दे दो। तो संगत जी, मेरे साथ सीमा मासी भी आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे गुरुजी लाल रंग के चोले में जुत्ती पहन के दिखाई दिए कि वो जुत्ती पहन के चल रहे थे। और संगत जी, यकीन मानिएगा, उससे पहले मुझे गुरुजी के चरणों की जो जुत्ती थी एक बिल्कुल फूली हुई थी और एक बिल्कुल दबी हुई थी। संगत जी, इस तरह के दर्शन हुए, मानो ये उन्होंने जुत्ती पहनी और वो जा रहे हैं कहीं, और जुत्ती को मतलब पहनने के बाद जो ढीली सी पड़ जाती है, दब से जाती है, तो उस तरह से दब गई। तो जब मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया सीमा मासी से, तो वो मुझे बोलती कि मुझे तो गुरुजी लाल चोले में यहाँ चलते दिखाई दिए, यानी कि जो मेरे को दर्शन हो गए वो 100% गुरुजी ने मुझे बता दिया कि हाँ सच में तुझे मेरे दर्शन हुए। क्योंकि कभी कभी ना हमें थोड़े डाउट्स भी हो जाते हैं कि शायद मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, जहाँ मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं डूब रहा, लेकिन संगतों के सत्संग आपको आपके उस डाउट को क्लियर करते हैं कि नहीं, ये डाउट नहीं है, गुरुजी की बातें हमेशा सच्ची होती है, वो हमेशा सच में आपको दर्शन दे। सत्संग के बाद संगत जी सिलसिला हो गया शुरू।
सुंदर सुंदर कान्हा जी की झांकियों का और कान्हा जी के अद्भुत रूप को देखकर सभी बाग बाग हो रहे थे, सभी खुश हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे सच्ची में कान्हा जी राधा जी धरती पर उतर के आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय श्री राधे। तो संग जी, वीडियो का एक भाग और बाकी है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे जो परिवार वाले हैं शुक्राना हाउस, ध्रुव अंकल और उनकी नानी और उनकी फैमिली ने कैसे कान्हा जी की पूजा की, कैसे उन्होंने कितनी बार कान्हा जी को कितने द्रव्यों के साथ स्नान कराया, फिर चनामत बना के उसका सारी संगतों में बांटा और उसके बाद फिर से झांकियां हुई, पूजा हुई, जो भी सब हुआ है वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो उसके लिए आप बने रहिए अनुराधा ब्लॉग्स पर। और कुछ मेरे से गलतियां हो गई हूँ बोलने में, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। आई होप आपको आज की ये कान्हा जी वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अनुराधा ब्लॉग्स पर जो भी रोज़ नई नई वीडियोज़ आती हैं वो आपके साथ साझा हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। खुशियों के पल हो और आपके अनुराधा आंटी ना नाचे, ऐसा संगत जी कभी हो ही नहीं सकता। मेरे तो पांव रुकते नहीं, जब भी कोई खुशी का माहौल हो तो मेरी टांगे, मेरे पैर, मेरा जिस्म अपने आप थरथराने लगता है और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है भगवान के सामने नाचने में। कहते हैं ना कि दुनिया के सामने आप पूरी ज़िंदगी नाचे हो तो आपको कुछ नहीं मिला। आप डिस्को में नाचे, आप पब में नाचे, आप रिश्तेदारों की शादियों में नाचे, आपने वहाँ भांगड़े मचाए, लेकिन जब से आप रब के आगे नाच रहे हो, रब के आगे अपनी खुशियाँ बांट रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको किसी की परवाह नहीं रहती, किसी की शर्म नहीं रहती और दुनिया में कोई आपका तमाशा नहीं बनाता। और जो आपका तमाशा बनाने की सोचता है तो वह ये भूल करता है कि सबसे बड़ा तमाशगीर तो ऊपर बैठा है आसमान पर, नीली छतरी वाला, जो आपकी हर हरकत को देख रहा है, अच्छी और बुरी दोनों को, और दोनों को एक डायरी में नोटिस कर रहा है। तो भाई इसीलिए अपना वो किरदार बनाएं कि जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाए, ना कि ऐसा कि आपको देखकर लोग मुंह चिढ़ाने लगे। तो संगत जी, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहें अनुराधा ब्लॉग्स पर।